प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार को चेताते हुए कहा कि कोरोना कुप्रबंधन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण पैदा हो रही परिस्थिति के मद्देनजर जूड़ा से जहां जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से बात करे सरकार। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के डॉक्टर हैं, हम सुबह से पूछ रहे हैं कि मरीज की क्या हाल है, तो बोलते हैं कि मरीज डॉक्टर साहब राउंड पे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब सुबह से राउंड पे हैं 8 बजे से, और अभी जब हम अभी डॉक्टर साहब आके कहते हैं कि आपकी माता जी नहीं रही, डॉक्टर दे रहे 16 घंटे, इनकी ऑक्सीजन बंद है सुबह से, इनने किसी कस्टमर को बताया नहीं कि इनकी ऑक्सीजन बंद है। लोगों की जान ले रहे हैं आप, झूठ बोल के आपकी ऑक्सीजन बंद है, बता नहीं रहे पेशेंट की ऑक्सीजन बंद है। कोरोना कुप्रबंधन, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, इन सब बातों को लेकर आज अस्पतालों में कानून व्यवस्था की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। कल रात सागर के बीएमसी में जबरदस्त संघर्ष मरीजों के परिजनों, डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों के बीच में हुआ है, और रात को हस्तक्षेप करके आधी रात के बाद वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा है। ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? अभी जो संभागायुक्त हैं वहां के सागर के, उन्होंने अपनी बाइट में ये बताया है कि 30 से 40 जंबो सिलेंडर वहां पर जो है प्रति घंटे खपत हो रही है, और 203 सिलेंडर जो है स्टॉक में है। इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन का स्टॉक ही मात्र 6 घंटे का बचा है, और इसके आधार पर वहां पर कोरोना से लड़ाई लड़ने की, इतनी बड़ी महामारी से लड़ाई लड़ने की योजना बनाई जा रही है। बीएमसी में कोविड मरीजों का इलाज सुचारू रूप से जारी है, और जो ऑक्सीजन की बात आ रही है तो सिलेंडर के माध्यम से जंबो सिलेंडर हैं हमारे पास, पर्याप्त हैं। 30 से 40 सिलेंडर हमारे प्रति घंटे खर्च होते हैं, उसके मान से हम उनको रिफिल भी करते जा रहे हैं। हमारे पास 203 सिलेंडर का स्टॉक रखा हुआ है, और एक बड़ी लॉरी जो है वो कुछ ही देर में आकर LMO भी हमके पास कैप्सूल में आ जाएगा, तो ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है, और ऑक्सीजन की वजह से कोई डेथ भी नहीं है। जो 3 डेथ्स हैं वो भी क्रिटिकल चल रहे थे बहुत दिनों से, और इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। परिजनों, डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जो खुला संघर्ष हुआ है वह वाकई में चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को जूड़ा से हड़ताल समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।